सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सेट नंबर फर्स्ट। आज से डेली बेसिस पे ऐसे ही सेट मिलेंगे प्रीमियर में आपको। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। इफ़ यू वांट टू फ्लाई, गिव अप एवरीथिंग दैट वेस यू डाउन। अगर आप उठना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो आपको नीचे की ओर ढकेलती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयर द कमिटी टू प्रिपेयर द आर्ट्स इट डैश लेटर्स। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय अभिनेता था जिसे ऑडर ड्रेस आर्ट्स एट डेज लेटर्स का सेवलियर बनाया गया था। शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, राजेश खन्ना या फिर दिलीप कुमार। तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी गणेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर लैंड। तो ये जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था, 1940, 1943, 1927 या फिर 1925। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है, कामेट, त्रिशूली, कांगसो या फिर ननकुन। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कांगसो। अब आप कमेंट करके बताइए कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सी है। तब तक मैं आपको और फैक्ट बताती हूँ। जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया है वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड में वो है K2, जिसका दूसरा नाम माउंटेन गोडविन ऑस्टिन है। जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की वो है कंचनजंगा। तो हमारे जो क्वेश्चन था ऊपर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया वो है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द SAFF वुमेन्स चैम्पियनशिप 2019 हेल्ड। SAFF महिला चैम्पियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। तो ये की गई थी नेपाल में। अब हमें 2019 से तो रिलेटेड है नहीं, पर अभी 2022 में हुई है तो हमें वो देखनी पड़ेगी। फर्स्ट अब की बार जो 2022 में सैव वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी वो इस बार का 6th एडिशन था, और वो हुई थी नेपाल के काठमांडू में, और इसको जीता था बांग्लादेश ने। ये बांग्लादेश का फर्स्ट टाइटल था, रनर अप रहा था नेपाल। और जो 2022 की SAFF Under-20 चैम्पियनशिप है उसको इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया ने जीता था उसको बांग्लादेश को हरा कर। जो SAFF है उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो 1977 में बना था, और इसमें 7 टीम पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है भूटान, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है मालदीव्स, फिफ्थ है नेपाल, सिक्स है पाकिस्तान एंड सेवन्थ है श्रीलंका। अभी अपकमिंग में कुछ स्पोर्ट्स है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था, ये ब्रिमिंगन इंग्लैंड में हुआ था। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, अगर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है वो कतर में हुआ था। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा वो कनाडा, मैक्सिको एंड US में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जीव के आधार जोड़ी अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन,
डिसेंटेशन, म्यूटेशन या फिर आयोनाइजेशन। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन। जो पोलिनेशन होता है ये ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन का प्रोसेस होता है जो मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में जाता है एक फ्लावर के। डिसेंटेशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देता है किसी भी एटम के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665 बाय ऑब्जर्विंग अ डैश अंडर अ माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप के तहत डैश का अवलोकन करके कोशिका की खोज की। लीफ, ग्रेन ऑफ सैंड, रॉक या फिर पीस ऑफ कॉर्क। तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, पीस ऑफ कॉर्क का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे मजबूत आलोचकों में से एक था? अमेरिका बाजार पत्रिका, केसरी, द ट्रिब्यून या फिर द हिंदू। अगर आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे गए तो इसका आंसर इजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। ये मराठी लैंग्वेज में था और ये 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है अमृता बाजार पत्रिका, ये 1868 में शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया था। ये ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी बंगाली थी और बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट है द ट्रिब्यून, इसको 1881 में सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा लिखा गया था और ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और जो फेमस न्यूज़पेपर है अब का द हिंदू, इसको 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा इंग्लिश में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज एन इमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड राजस्थानी बिसाइड पर्सियन, अरेबियन एंड टर्की। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के अलावा संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का एक प्रखट विद्वान था? अब्दुल रहीम, खाने खाना, बीरबल, अकबर या फिर रसखान। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खाने खाना। इनका नाम रहीम था, इनको जो टाइटल मिला था खाने खाना वो अकबर के द्वारा दिया गया था और ये नवरत्न में से एक थे। अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर देख लेना, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, फोक डांसेस ऑफ स्टेट, अपकमिंग टूर्नामेंट्स, आर्टिकल्स, करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट डेज एंड अवार्ड्स। और इस पेपर के जितने भी बाकी के क्वेश्चन हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूँगी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पल, इनफ होगा, प्लेंटी होगा, स्पेयर होगा या फिर स्कार्स हो गया। तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, मतलब इनफ या फिर सफिशेंट मात्रा में, ये तो इसका होता है मतलब। हमें निकालना है इसका एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम होता है जैसे कि किसी कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है तो हमें उस चीज़ की कमी होना। तो कमी को हम कैसे कह सकते हैं, स्कार्सिटी या फिर स्कार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और जो ऑप्शन नंबर सी है स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है इसके अलावा या फिर इसको छोड़ के भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हैंड रिटन बुक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, हम हैंड रिटन बुक को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट, एडिशन, मैनुस्क्रिप्ट या फिर आउटलाइन। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, मैनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वेरी
टूरिस्ट ड्यूरिंग समर, स्ट्रेन एक्टिविटी सोलेस या फिर एड। स्ट्रेन का मतलब होता है अधिक भार डालना, किसी चीज़ पर वेट डालना। एक्टिविटी का मतलब होता है कोई काम करना। सोलेस का मतलब होता है सद्भावना, कंसोलेशन करना, कंफर्ट दिलाना या फिर किसी चीज़ को दिलासा देना। और एड का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना, असिस्टेंट करना। तो जो हिल स्टेशन होते हैं जहाँ पर जैसे दार्जिलिंग एंड नैनीताल, वहाँ पर थके हुए जो टूरिस्ट होते हैं समर में उनको दिलासा दिलाया जाता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, पोर्टेबल, कन्वीनियंट, हैंडी या फिर रीचेबल। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्पोर्ट मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू डैम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। कमिटेड, असर्टेन, अश्योर या फिर डिमोन्स्ट्रेटेड। कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगाना। असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को निर्धारित कर देना। और अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को भरोसा दिलाना। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना। तो जो स्पोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन के जो ऑफिसर थे उनको भरोसा दिलाया था कि वो उनकी टूर्नामेंट कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इंटू फोर सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। द फोटोग्राफर क्लाइम द ट्री एंड टुक पिक्चर्स ऑफ द लेपर्ड चेजिंग इट्स प्रे। ये जो सेंटेंस है ये पूरा पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर द फोटोग्राफर क्लाइम की जगह द फोटोग्राफर क्लाइम्ड होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्वर्ट, डैजल हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रेडिकल हो सकता है या फिर अफेक्ट हो सकता है। तो कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना। डैजल का मतलब होता है किसी चीज़ को चौंकाना। और रेडिकल का मतलब होता है बेसिक चीज़ें। और इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना। तो जो कन्वर्ट का सिनोनिम बनेगा वो बनेगा ट्रांसफॉर्म करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। प्रेजेंटर, मैग्निफिसेंट, एलोक्वेंट या फिर पर्सुएडर। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एलोक्वेंट। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है अपने बोलने में या फिर लिखने में। जो मैग्निफिसेंट होता है उसका सिनोनिम होता है स्टनिंग, जिसका मीनिंग होता है शानदार। जो पर्सुएडर होता है वो लोगों को उकसाने वाला काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इंटू फोर सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। द वॉल ऑफ चाइना इज नो लॉन्ग अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर ओनिंग टू इरोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है, और एरर है कि यहाँ पर इज नो लॉन्ग की जगह इज नो लॉन्गर आना चाहिए था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। सोलिट्री, इंडिविजुअल, क्राइटेरिया या फिर लेजिबल। तो सोलिट्री को तो हम ऐसे लिखते हैं, इंडिविजुअल भी ऐसे लिखा जाता है, क्राइटेरिया भी ऐसे लिखा जाता है, पर जो लेजिबल है वो गलत लिखा हुआ है। उसकी स्पेलिंग होती है LEGIBLE। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इस हाइट इज डिक्रीज बाय 33 एंड 1/3%, देन व्हाट विल
बी द चेंज इन परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और इसकी ऊंचाई में 33/1/3% की कमी की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा? डिक्रीज बाय 0.4%, इंक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 4% या फिर डिक्रीज बाय 2%। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो रेडियस है उसको इंक्रीज किया गया है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो इसको पहले ये वैल्यू 5 थी, ये इंक्रीज हुई है 1 से, तो अब ये हो गई है 6। और जो हाइट है उसको डिक्रीज किया गया है 33/1/3। जो 33/1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। तो पहले जो वैल्यू थी वो थी 3 और डिक्रीज होकर वो हो गई है 2। अब इन्होंने बोला है कि हमें उनके वॉल्यूम में चेंज बताना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो दोनों साइड से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर एच की वैल्यू हमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। फर्स्ट वाले में आर है हमारा 5, तो 5 का स्क्वेयर इंटू 3, और दूसरे वाले में हमारा जो आर है वो है 6, तो 6 का स्क्वेयर इंटू 2। 5 का स्क्वेयर 25 इंटू 3 रेशियो 6 का स्क्वेयर 36 इंटू 2। तो इनको हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75 रेशियो, इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72। अब इसमें डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3 से डिक्रीज हो रहा है। किस पर हो रहा है? 75 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 पे जाएगा, इसको 25 से करेंगे तो ये 4 पे जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4% डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज बाय 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस अ हाउस इन 12 सेकेंड, वट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? 150 मीटर, 10 मीटर, 230 मीटर या फिर 180 मीटर। तो एक फॉर्मूला होता है व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी मैन एंड पोल, तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। तो हमें जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग दे रखा है वो दे रखा है 12, लेंथ हमें दी नहीं है, वो हमसे पूछी गई है, तो लेंथ की जगह हम यहाँ पर एल ही रहने देते हैं। जो स्पीड है वो हमें गिवन है 45, लेंथ इधर गिवन है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ऑप्शन में यहाँ पर मीटर में आंसर दे रखा है, तो हमें किलोमीटर पर सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है। 18 और 45 3 से कट जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 6, ये 3 से जाएगा तो 15 पे, ये 3 से कटेगा तो 2 पे, ये 3 से कटेगा तो 5 पर। अब 2, 6 जा 12, तो 6, 5 एंड 5, 6, 5 जा 30, 30 into 5, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन अ रेशियो ऑफ 3:4 ऑन एडिंग 8 liters ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:8। द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन लीटर्स इज, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है, 8 liters पानी मिलाने पर शराब और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में क्या है? 70, 63, 35 या फिर 84। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर से। यहाँ पर हम लिखते हैं अल्कोहल और वाटर, पहले इसका रेशियो था 3:4, टोटल करने पे कितना लीटर था? 7 liters। नेक्स्ट जब उसने यहाँ पर 8 liters वाटर मिलाया है तो इसका जो रेशियो बना है वो बना है 5:8। अब हमने इसमें वाटर मिलाया है पर हमने इसमें अल्कोहल तो ऐड किया नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो सेम होनी चाहिए थी,
और वो तो सेम है हुई नहीं है, तो उसको सेम करने के लिए हम इसको 5 से इंटू करेंगे और इसको 7 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15:20 और यहाँ पर आ जाएगा 15:24। अब यहाँ पर अल्कोहल की वैल्यू सेम हो गई है, जो वाटर की वैल्यू है इसमें 4 बढ़ी है, और वो किसकी वजह से बढ़ी है, 8 लीटर की वजह से बढ़ी है। तो 1 की वैल्यू आएगी 2 लीटर। इसने हमसे पूछा है कि ओरिजिनल में जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, जो ओरिजिनल में जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो थी 7 × 5 = 35। तो अब हो जाएगी 35 को इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगी 70 लीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज वाई एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जेड टू फिनिश द जॉब, वर्किंग ऑल टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन 2 डेज, वाई अलोन कैन फिनिश द जॉब इन। एक्स एक कार्य को पूरा करने में वाई से 2 गुना और जेड से 3 गुना समय लेता है, सभी को एक साथ काम करते हुए वे इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले इस काम को किस में पूरा कर सकता है, 14 डेज, 10 डेज, 12 डेज या फिर 6 डेज। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड की जो डे बता रखे है वो बता रखे है, जेड अपनी जॉब को जितने दिन में फिनिश करता है उससे 3 गुना टाइम लेता है एक्स, तो जेड की हम डे मान लेते हैं 2, तो 2 का 3 गुना मतलब 6 काम लेता है जेड, और उसने बोला है जो जितना टाइम वाई लेता है उसका 2 गुना लेता है, तो इसका 2 गुना लेता है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो वाई के डे आ जाएंगे 3। अब इनको काम निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा होती है, तो 1:6 / 1/3 / 1/2। अब इनको सोल्व करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1:2:3। अब जो हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क इन्होंने कहा है कि तीनों अपनी जब काम करते हैं तो वो काम को 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी है 3 + 2 + 1 = 6 और काम को ख़त्म करते हैं वो 2 दिनों में, मतलब 12 है इनका टोटल वर्क। अब इसने पूछा है जो वाई है वो अकेला पूरे काम को कितने में ख़त्म कर सकता है, टोटल वर्क है 12, वाई की एफिशिएंसी है 2, तो वो ख़त्म कर देगा इसको 6 डेज में, मतलब ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय अमित इन 5 सब्जेक्ट इज 72, इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर इन 3 of these subjects इज 70, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट। अमित द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 72 है, यदि इनमें से 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 70 है तो शेष विषयों में अंकों का औसत क्या है, 25, 75, 50 या फिर 71। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो अमित के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स है उनका एवरेज है 72, तो हमें सम निकालने के लिए नंबर और एवरेज को इंटू करना पड़ता है, तो 5 × 72 आएगा 360, और जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है वो आया है उसका सम निकालने के लिए 3 × 70 करेंगे तो वो होगा 210। अब बचे 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट के सम को माइनस कर देंगे तो 2 सब्जेक्ट का नंबर आ जाएंगे तो वो आए हैं 150। अब 150 है, हमें निकालना है 2 सब्जेक्ट का, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75 एवरेज, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी इज 220% ऑफ क्यू देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लस क्यू विल क्यू बी, यदि पी क्यू का 220% है तो पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत क्यू होगा, 37%, 48.15%, 31.25% या फिर 25%। तो जो पी है वो
220 × 100% है क्यू का, तो ये जाएगा 11 पर और ये जाएगा 5 पर, तो जो 5p है वो इक्वल है 11q के, तो p बाई क्यू का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 11/5। इसने पूछा है क्यू कितना है, तो क्यू की रेशियो p प्लस क्यू के परसेंटेज से पूछी है, तो क्यू है हमारे पास 5 और p प्लस क्यू, p है 11, q है 5, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 × ये 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, 5 × 25 होता है 125, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 31.25%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आयरन इज बोट फॉर ₹210, डिसाइड इज MRP सो डैट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5% यू स्टिल गेन 90%। एक लोहर 210 रुपये में खरीदा जाता है, इसकी MRP ज्ञात कीजिए ताकि 5% की छूट के बाद भी आपको 90% का लाभ हो। आयरन को उसने खरीदा 210 में और उसमें आपको गेन मिलेगा 90% का, तो 100 वैल्यू उसकी कॉस्ट थी और गेन मिल रहा है 90 का, तो वैल्यू हो जाएगी 190/100 और ये किसके इक्वल होगा, जो MRP है उस पर हमें 5% का डिस्काउंट, 100 में से 5 गया तो 95 का डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे बचेगा 21 × 19 और इक्वल टू में MRP × 95/100। तो MRP निकालने के लिए 21 × 19 100 उधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 95 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 19 × 5 = 95, 5 से 100 जाएगा 20 पर, और 21 × 20 होता है 420, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 11/8 टाइम्स ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुना पर बेचा गया था, लाभ प्रतिशत क्या है, 36.5%, 35%, 37.5% या फिर 36%। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो इक्वल थी 11/8 उसके CP की, जो तो SP और CP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 11/8। तो उसने कहा है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस था 8, उसने बेचा 11 पे, तो उसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो अपॉन में लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100, ये 4 से डिवाइड होगा 2 पे, ये 4 से डिवाइड होगा 25 पर, और 3 × 25 होता है 75, डिवाइड बाय 2, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और ₹5,000 पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, ₹64, ₹84, ₹48 या फिर ₹32। तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें 2 ईयर का CI निकालना है और उसमें से माइनस करना है 2 ईयर का SI। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT × 100, तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 5000 और रेट गिवन है 8%, टाइम दिया 2 ईयर का, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पे बचेगा 50 × 60 होता है 800, तो हमारा जो SI आ गया 2 ईयर का वो आया है 800। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है
5000 पे 2 ईयर का 8%। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करती हूँ, वो क्या है, अगर हमें 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं, वो होता है 2:1। तो यहाँ पर हमने 2 और 1 लिख लिया। अब हम 8% निकालेंगे 5000 का, जो होता है 400 को 2 से इंटू कर देंगे, और फिर हम 8% निकालेंगे, अब की बार 5000 का नहीं 400, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। तो हम 8% निकालेंगे 400 का, वो होगा 32। ये हमारा हो गया। अब इनको हम इंटू करेंगे तो ये आएगा 800, और इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 32। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 832। हमारा जो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया है 832, और जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट था वो था 8000। इनमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। आपको 3 ईयर का निकालना है तो उसमें आप रेशियो लोगे 3:3:1। अगर 4 ईयर का निकालना है तो उसमें आप रेशियो लोगे 4:6:4:1। और ये रेट और टाइम पर भी डिपेंड करेगा, अगर रेट उसने हाफ एनुअली बोला है तो टाइम उसमें डिवाइड हो जाएगा और रेट में उतना ही इंटू हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 kg इफ अ न्यू पर्सन रिप्लेसेज वन वेट वेइंग 15 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, 8 लोगों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है यदि एक नया व्यक्ति 50 किलो वजन वाले व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है, 52 kg, 58 kg, 70 kg या फिर 72 kg। तो जो 8% का जो वेट है वो 2.5 kg से बढ़ जाता है जब 50 kg के एक पर्सन को कोई नया पर्सन रिप्लेस कर देता है। तो बढ़ा कितने किलोग्राम है, तो 8 × 2.5 kg, तो ये बढ़ा है 20 kg, और रिप्लेस किया है इसने 50 kg वाले को। तो जो वेट होगा न्यू पर्सन का वो होगा 20 + 50 = 70 kg, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप सॉल्व करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और आपके कितने नंबर आए ये 30 में से ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और कुछ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।